देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। नालंदा से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां बिहार शरीफ के कोर्ट परिसर में असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हवाई फायरिंग करने के बाद घटना स्थल से वो फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ कोर्ट से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में फायरिंग कर दी, साथ ही घटनास्थल से फरार हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि बिहार शरीफ कोर्ट परिसर के अधिवक्ता संघ कार्यालय के पास बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की और फरार हो गए। इधर घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई है और फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन तब तक सारे अपराधी घटनास्थल से फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आप सुनिए कि अधिवक्ता कमलेश कुमार ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। यहां आज संघ परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से आसमानी फायर किया गया और फायर करके जो अभियुक्तगण लोग हैं वो भाग गए। फायर करने से काफ़ी दहशत का माहौल संघ परिसर में कायम हो गया। किसी भी समय यहां किसी भी प्रकार का प्रिय वारदात घटने की संभावना है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की कई घटना घट चुकी है और मैंने पूर्व में भी माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से नालंदा जिला अधिवक्ता संघ परिसर में के गेट पर, खास करके गेट नंबर 1 और 2 पर सुरक्षा व्यवस्था तैनाती के लिए मांग किए थे। इस संबंध में हमने पत्राचार भी किया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से अधिवक्ता ने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये जो है किया गया है और पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन अब तक सुरक्षा नहीं मिला है, जिस वजह से जानबूझ के असामाजिक तत्वों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिस कारण अब पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोग डरे हुए हैं। आगे इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।